बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ FIA इंटरव्यूज़ के बारे में, और साथ में बात करेंगे कि FIA की तरफ से मतलब कि OTS की तरफ से अभी जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं लोगों को अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड वगैरह जो स्कैन करा के उनको सेंड करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपकी भी बात हुई है OTS वालों से तो काइंडली आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि उनसे आपकी क्या बात हुई, तो और आपने उन्होंने मतलब आपको क्या बताया इंटरव्यूज़ की डेट से रिलेटेड, या फिर UDC के बारे में आपने उन लोगों से क्वेश्चन किया हो, या फिर जो फिलहाल OTS की तरफ से मैसेज जा रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की और वीडियोस पहुंचती रहें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जाहिर है बहुत सारे लोगों की उनसे बात हुई थी FIA इंटरव्यूज से रिलेटेड, तो फिलहाल आज मैं आप लोगों के कमेंट ही पढ़ूंगा जिसमें जाहिर है बहुत सारे लोगों को आपके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे अगर आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो फिलहाल FIA UDC का क्या हुआ भाई, आजी खान ने पूछा, तो यार आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। एक भाई की बात हुई थी तो उन्होंने कमेंट भी किया था, आप वीडियो पूरी देखिएगा। फिर है उमर फरीद भाई, अगर किसी की आई साइड वीक हो, यार मैं आपको बता दूं अगर आपकी जॉब से रिलेटेड उन्होंने बात की है तो मैं बता दूं अगर आपकी आई साइड वीक है तो आप अगर ग्लासेस के साथ पूरी है तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मली, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है और पुलिस में भी बहुत सारे लोग आपको नज़र आ जाएंगे चश्मे के साथ, तो इसमें कोई बात नहीं है। फिर ये है अब्दुल्ला जुबैर उल हक, अभी इन्होंने भाई देखे, इन्होंने कमेंट किया है, बिलाल भाई मेरी बात हुई थी OTS वालों से, उन्होंने मुझे कहा इस जिनके मार्कशीट में इशू है, यानी कि उसके रिलेटेड बात करें जो फिलहाल मैसेज आ रहा है OTS की तरफ से, आप काइंडली अपना, अब मैं आपको बता दूँ कि जो इसका सारा प्रोसेस था वो ऑनलाइन हुआ था इस बार। FIA का जो प्रोसेस वगैरह जो भी अपने फॉर्म वगैरह फिल किए थे लोगों ने सारे के सारे, वो ऑनलाइन हुआ था, तो शायद हो सकता है कि ऑनलाइन किसी से कोई मिस्टेक हो गई हो। फिर मैसेज आया, यानी कि उन लोगों को मैसेज आया जिनकी मार्कशीट वगैरह में कोई इशू है, और ये बात हुई थी मेरी और इंटरव्यू का भी जब मैंने पूछा तो उनसे तो कहने लगे कि फर्स्ट या सेकंड वीक में अनाउंस हो जाएगा, मैसेज या लेटर आ जाएगा, जाहिर है उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा या फिर लेटर आ जाएगा। OTS की तरफ से मैसेज वगैरह आएगा, लेटर मुझे लगता नहीं है, जाहिर है वो OTS की वेबसाइट पर लास्ट टाइम भी आया था, फिर वहाँ से आपको डाउनलोड वगैरह करना है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ भाई OTS का नंबर दे दें, और भाई आप मुझे OTS का नंबर मेल कर दें। यार इन्होंने मोहम्मद खान और फैज़ अदरीस, यार आप काइंडली गूगल पे जाएं और OTS का नंबर लिखें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड चीज़ है भाई, इन्होंने अदनान सईद, इन्होंने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। बिलाल भाई आपको बता दूँ, आपको एक बता दूँ, मैं खुद FIA कॉन्स्टेबल का कैंडिडेट हूँ और मैंने उन्हें कॉल करी और उनका आंसर था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हो जाएगा इंटरव्यू, लेकिन एक वीक हो गया। अब जाहिर है मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट किया था कि हमारी उनसे बात हुई है और उन्होंने तकरीबन एक वीक का कहा। नॉर्मली जब मैंने भी वीडियो बनाई थी तो उन्होंने मुझे भी एक वीक का ही कहा था जब मेरी उनसे बात हुई थी लास्ट टाइम कॉल पर। फिर उसके बाद जाहिर है मैंने OTS को कॉल की थी और फिर मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने तकरीबन वन वीक का कहा था, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने उनसे कॉल की थी तो तकरीबन उनसे कॉल कनेक्ट नहीं हुई। जब मैंने उनसे पूछना था कि आप ये OTS की तरफ से जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, जो कि यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड वगैरह जो स्कैन कराने की बात हो रही थी, फिर उसके बाद उनका साफ साफ जवाब यही था कि हमें अभी कुछ नहीं पता। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, फिलहाल जो इन्होंने नीचे कमेंट किया, अब इनका कमेंट पढ़ के आप समझ जाएंगे कि सब कुछ यानी डिपार्टमेंट की तरफ से ही होता है। नॉर्मली अगर डिपार्टमेंट OTS वालों को कहेगा कि यार मतलब अब आप लड़के बुलाएं इंटरव्यू के लिए, जब भी वो बुलाएंगे, जब तक वो नहीं बुला सकते, कि जाहिर है सब कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, सारा कुछ डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, जब तक डिपार्टमेंट नहीं कहता तब तक वो नहीं बुलाते इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए OTS वाले भी। सेकेंड चीज़ पढ़ते हैं फिर, ओ नवेश यार मुझे तो मैसेज, जाहिर है सबको मैसेज तो नहीं आया, खाली उन लोगों को आया जिनके यानी कि जाहिर हो सकता है मार्कशीट वगैरह में कोई इशू हो। मैंने कॉल की थी तो वो कह रहे थे कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई, इनकी शायद बात हुई होगी OTS वालों से। सही है राना मुजम्मिल, और फिर है अनी खान, बिलाल भाई मेरी FIA HQ पर यानी हेडक्वार्टर लिखा है उन्होंने, पर बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा इंटरव्यू में, अभी लिस्ट बन रही है। जाहिर है फिर अब इनकी ये बात हुई थी, आप लोगों ने कमेंट करा पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। फिर है भाई 28 नंबर वालों का कॉल आएगी, यार इंशाल्लाह हमने उम्मीद है कि शायद सबको ही आएगी, फिर आगे देखते हैं। फिर है मेहताब अली भाई, इस आज भी कॉल की थी, कहा OTS वालों ने कि नेक्स्ट वीक, तीन बार कॉल की है और हर बार वो नेक्स्ट वीक का कहते हैं। नॉर्मली जाहिर है उन्हें भी शायद कन्फर्म नहीं होगा, जब भी वो नेक्स्ट वीक कह देते हैं। अगला कमेंट पढ़ते हैं, FPR सिपोए मुल्तान का इंटरव्यू लेटर कब आएगा? यार FPR का तो शायद कुरंदाजी का सुना था, लेकिन उसके बाद अभी फ़िलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है। भाई जिसने टेस्ट पास किया है सबको मैसेज नहीं आए, और मैसेज का ये मतलब नहीं कि वो पास है, नहीं जाहिर है मैसेज का ये मतलब नहीं कि वो पास हैं। जाहिर है मैंने आपको बताया अभी कि इसका ऑनलाइन सबमिशन थी, तो शायद उनकी कुछ इशू हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें दोबारा आई हो कॉल। सेकेंड है भाई, मैंने कॉल की थी
की थी, अभी तक कंफर्म नहीं है कि लिस्ट बनेंगी बाद में इंटरव्यू होगा। जाहिर है पहले लिस्ट वगैरह बनेंगी, वो OTS की साइट पर आएंगी, फिर इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे। फिर है भाई UTS के बारे में बताएं अप्रैल में जो, हाँ यार मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने कमेंट किया था तो तकरीबन अप्रैल के टाइम पे UTS की तरफ से कुछ जॉब्स वगैरह अनाउंस हुई थी। यार मुझे पता नहीं, मुझे मकन उस चीज़ के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि उस वक्त मैं तकरीबन वीडियोस बना ही नहीं रहा था। आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, तकरीबन उस टाइम पर मैंने 4-6 महीने कुछ वीडियोस ही नहीं बनाई, कोई वीडियो अपलोड ही नहीं की थी। तो यार मुझे उस बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। एज लिमिट क्या होती है स्पेशली गर्ल्स के लिए, इन्होंने निशान कर लिया। यार गर्ल्स की भी नॉर्मल मेरे ख्याल से 18 से 25 या 18 से 28 ही होती है। फिर सर जीडी की कोई इन्फॉर्मेशन बता दें। यार इनका भी नेक्स्ट टेस्ट होना है, क्या कहते हैं उस टेस्ट को, मेरा दिमाग में नाम नहीं आ रहा। फिर आपका आगे बढ़ेगा सिस्टम। भाई मिसनोर लिखा है भाई मुदस्सिर टीवी, भाई मैंने पहली दफ़ा कमेंट कर रहा हूँ, थैंक यू भाई। अभी उसके बाद लिखा है आपने सच बोला है इसलिए वीडियो पसंद आई, थैंक्स गॉड ब्लेस यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चलते हैं जुबी खान। सर जो FIA की जॉब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? यार ये तो परमानेंट जॉब्स हैं। फिर वो है UDC की लिस्ट्स इसी मंथ अपलोड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू OTS। अब इनकी बात हुई होगी मोहम्मद मदनी, इन्होंने कहा है कि UDC के बारे में इन्होंने क्वेश्चन क्या किया होगा, तो उन्होंने कहा होगा तकरीबन इसी मंथ अपलोड हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो खैर लंबी हो गई, सॉरी उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं या जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जॉब्स रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।